सिर्फ 10 मिनट में मेरा ये बताया हुआ नुस्खा आपके पुराने से पुराने घुटनों का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घुटनों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने का घरेलू इलाज, जिस्म को बनाने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और इसका असर इतना अफेक्टिव होगा कि आप कहेंगे काश मुझे पहले इसका पता होता। आजकल जोड़ों के दर्द के मसले में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और बाज़ लोगों में जॉइंट पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो ठीक से चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। ये मसला ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में पाया जाता था, लेकिन अब ये मसला छोटी उम्र के लोगों में भी शुरू हो चुका है। हड्डियों जोड़ों का दर्द अगर खतरनाक शक्ल अख्तियार कर जाए तो इसे अर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। हमारे घुटनों और जोड़ों के दर्द के पीछे हमारी खुराक का एक अहम किरदार होता है और ये हमारे निज़ाम को असरअंदाज करती है। जैसे हम जंक फूड खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो इससे हमारी हड्डियों में दर्द का मसला पैदा हो जाता है। जॉइंट पेन को ख़त्म करने के लिए आप बहुत सी अद्वियात का सहारा लेते हैं जिससे आपके मैदा भी असरअंदाज होता है, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका घरेलू नुस्खा जो असरदार हो उसका इस्तेमाल किया जाए तो कम वक्त में जोड़ों के दर्द से निजात मिल सकती है। तो पहले हम आपको एक ऐसा तेल बताएंगे जिसको लगाने से आपके दर्द में काफ़ी हद तक कमी वाकिया होगी। इस तेल को बनाने के लिए हमें चाहिए है जैतून का तेल आधा कप या अरंडी का तेल, साथ ही छोटा टुकड़ा अदरक का लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। कम से कम उसका जूस एक चम्मच के करीब होना चाहिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम अदरक का जूस एक चम्मच ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे एक चम्मच। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और इसको ठंडा करेंगे। जब ये नीम गर्म हो जाए तब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, एक लेमन लेंगे और उसका जूस निकाल लेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो जिस जगह पे हमें पेन हो रही है और इस पर हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मसाज करेंगे और उसके बाद एक गर्म पट्टी से इसको लपेट देंगे। आपने गर्म पट्टी को कम अज़ कम आधे घंटे के लिए लाजमी लपेट के रखना है। ये बात हो गई है बाहर से लगाई जाने वाली चीज़ों की। इसके साथ साथ जोड़ों और हड्डियों को अंदर से ताकत देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से जल्दी दर्द से निजात पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द के मसले में कलवंजी बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा है। इसका जिक्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है कि कलवंजी में शफा है। अगर आप एक चुटकी कलवंजी एक गिलास पानी के साथ डेली रूटीन में शामिल कर लें तो आप इस मसले से निजात पा सकते हैं। के साथ साथ आपने करना यह है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कोशिश करनी है कि घड़े का पानी पिएं, निहार मुंह घड़े का पानी पिएं, आपके लिए इसमें सेहत है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें करें, आप पे बरकतें नाजिल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।